नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है अपने चैनल एग्रीकल्चर की दुनिया में। किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, हमारी आलू की फसल लगभग एक महीने की होने जा रही है। तो जैसे ही हमारी फसल एक महीने की होती है तो कीटों का लगना और रोग लगना शुरू हो जाता है। तो कीड़ों में हमारे रस चूसने वाले कीड़े और हल्की फुल्की सूंड़ी लगती है। रोगों में स्टेम रॉट, जड़ गलन या स्टेम कैंकर लगना शुरू हो जाता है, जिससे हमारी फसल में बहुत हानि होती है। तो इन्हीं सभी समस्याओं से निपटने के लिए इस वीडियो में आपको फुल जानकारी दी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में, इस किसान भाई के खेत में आप देख सकते हैं ये पौधा मुरझाया हुआ है। अभी देखते हैं कि इसमें कौन सी बीमारी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पौधा सूख गया है, पीला होके इसकी जड़ बिल्कुल गल गई है। तो इसमें स्टेम रॉट, स्टेम कैंकर जो कि राइजोक्टोनिया सोलेनाई फंगस के द्वारा लगता है, यह हमारी फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। तो इसी समस्या से निपटने के लिए इस वीडियो में जानकारी दी गई है कि आपको कौन सा बेस्ट फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड है जिससे इन सभी समस्याओं से निपटा जा सके। तो किसान भाइयों, आपको जानकारी दे दें, हमारे पास सिंजेंटा कंपनी का फोलियो गोल्ड और पायर कंपनी का एंड्राकोल, ये सबसे बेस्ट फंजीसाइड हैं। इन फंजीसाइड का उपयोग आप अलीका नाम के इंसेक्टिसाइड के साथ कर सकते हैं। तो इंसेक्टिसाइड रस चूसने वाले कीड़ों को बिल्कुल ख़त्म कर देगा, और जो हमारा एंट्राकोल और फोलियो गोल्ड है, ये आपके जो फंगस द्वारा रोग लगते हैं इनको वहीं पे कंट्रोल कर देगा। तो किसान भाइयों, आप इन प्रोडक्टों का यूज करें और अपनी फसल को स्वस्थ रखें। किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने किसान भाइयों को शेयर कर देना। आई होप यू वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो किसान भाइयों, धन्यवाद।